मस्जिद, मजार, दरगाह, कब्रिस्तान किसके हैं? जाहिर है इस सवाल का एक ही जवाब मिलेगा, मुसलमानों के। तो फिर दिल्ली में अचानक 123 मस्जिदों, मजारों, दरगाहों और कब्रिस्तान के मालिकाना हक पर बवाल क्यों मचा है? दरअसल सवाल ये नहीं है कि ये मुसलमानों के हैं या नहीं, सवाल ये है कि इन जमीनों का इस्तेमाल क्या हो रहा है, इनकी कमाई का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, क्या ये जमीनें सलामत हैं या इनके कुछ हिस्से पर कब्जा हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि धांधली कर इन्हें चोरी से बेच दिया गया हो। केंद्र सरकार इन्हीं सवालों के जवाब तलाश कर रही है, इसीलिए दिल्ली की 123 ऐसी प्रॉपर्टी जो मुसलमानों से संबंधित है उसे केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है ताकि मौजूदा वक्त में इन जमीनों की सच्चाई सामने आ सके। LNDO और DDA को इन जमीनों के सर्वे का काम सौंपा गया है। ये तस्वीरें दिल्ली के बंगाली मार्केट की हैं, जहां LNDO यानी भूमि और विकास कार्यालय की टीम सर्वे कर रही है। सर्वे सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा है, कैमरे पर रिकॉर्डिंग हो रही है। विवादित 123 प्रॉपर्टी में 61 LNDO और 62 DDA के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। अब सवाल उठता है कि दिल्ली के किस हिस्से में ये विवादित प्रॉपर्टी है, इसे जरा गौर से देखिएगा। लुटियंस दिल्ली, जहां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत भारत सरकार के बड़े बड़े दफ्तर हैं, नई संसद वाला इलाका, कनॉट प्लेस, जनपथ, अशोक रोड, पंडारा रोड, जंगपुरा, जहां ये 123 विवादित प्रॉपर्टीज हैं वो दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में शुमार हैं। यहां प्रॉपर्टी के दाम करोड़ों में हैं। अब आपके मन में बेचैनी हो रही होगी कि आखिर कितनी कीमत होगी, तो उसका भी जवाब जान लीजिए। केंद्र सरकार जिन विवादित 123 प्रॉपर्टी का सर्वे करवा रही है, कागजों में उस जमीन का कुल एरिया 1360 एकड़ है। इसका बाजार भाव 20,000 करोड़ रुपए, यानी 20 के आगे 10 जीरो। कीमत देखकर होश फाकता हो गए ना। अब जरा एक और तस्वीर देखिए, ये देश की नई संसद की दीवार है और इस तरफ जो बाउंड्री देख रहे हैं वो नई दिल्ली की जामा मस्जिद है। कंफ्यूज मत हो, ये लाल किले के पास वाली जामा मस्जिद से बिल्कुल अलग है, लेकिन नई संसद के बिल्कुल बगल में है, इसका भी सर्वे होना है। नई दिल्ली वाली ये जामा मस्जिद करीब 350 साल पुरानी है। यहाँ पूर्व राष्ट्रपति और देश के मिसाइल मैन भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम भी नमाज पढ़ने आया करते थे। ईद बकरीद पर तमाम दलों के सांसद यहाँ अब भी नमाज पढ़ते हैं। इसी मस्जिद के पास पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मजार है। दिल्ली में जिन मस्जिदों में इस समय LNDO और DDA सर्वे कर रहा है, उनमें से एक मस्जिद ये जामा मस्जिद नई दिल्ली भी है। यहाँ पर भी एक नोटिस चस्पा किया गया था और उसके बाद इस पूरी जगह का भी एक सर्वे किया गया LNDO और DDA के जरिए। जो पैमाइश है वो की गई। अगर इस मस्जिद की बात करते हैं तो काफी पुरानी ये मस्जिद है और मस्जिद से जो पार्लियामेंट है, देखिए पार्लियामेंट क्योंकि नई जो बिल्डिंग है कुछ हिस्सा वो अभी भी बन रहा है, तो बिल्कुल करीब है, यानी कि 50 मीटर की भी दूरी नहीं है। बीच में सिर्फ एक सड़क है। ये पार्लियामेंट है देश की, संसद भवन, और ये नई दिल्ली जामा मस्जिद है। और इस मस्जिद के ही परिसर में आगे की तरफ पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मजार भी है। तो यहाँ की भी पैमाइश सर्वे किया गया। और अगर 123 जो प्रॉपर्टी का इशू है, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड जिस पर यह दावा करता है कि प्रॉपर्टी उसकी है, और जो केंद्रीय मंत्रालय है उसकी तरफ से कहा जाता है कि वो उसकी है, और ये पूरा जो मामला है हाईकोर्ट में इस वक्त चल रहा है, और कोर्ट के आदेश के बाद ही तमाम जगहों की पैमाइश या जो भी एक तरीके से सर्वे है वो चल रहा है, उसमें इस मस्जिद का भी सर्वे किया गया। कुल मिलाकर 123 जो प्रॉपर्टी है, बड़ी हाई प्रोफाइल या कहे कि बहुत बेशकीमती जो जमीन है वो यहाँ पर है। इस प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो इसमें मस्जिद भी है, मजारे हैं और दूसरी जगह भी है, जिसको लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। और पिछले कई सालों से हमने देखा है कि इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई भी वक्फ बोर्ड और जो दूसरी मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से लड़ी जाती रही है। अब क्योंकि फिर से सर्वे की जो बात है वो सामने आई है, तो ये मामला अब गर्माता नजर आ रहा है। लेकिन सेंट्रल दिल्ली में ये अकेली मस्जिद नहीं है जहां विवाद है। ऐसी करीब 5 बड़ी मस्जिदें हैं जिनके सर्वे के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है। इनमें रेड क्रॉस रोड पर बनी जामा मस्जिद, उद्योग भवन के पास सुनहरी बाग मस्जिद, कृषि भवन के पास बनी मस्जिद कृषि भवन, मानसिंह रोड पर बनी जब्तागंज मस्जिद,
और मोतीलाल नेहरू रोड पर बनी सुनहरी बाग मस्जिद भी शामिल है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर जिन 123 प्रॉपर्टी का सर्वे किया जा रहा है उसमें ये मोतीलाल नेहरू मार्ग की मस्जिद भी शामिल है। इस वक्त हम यहीं पर मौजूद है और ये मस्जिद है मोतीलाल नेहरू मार्ग पर। जाहिर सी बात है कि कई सौ साल पुरानी ये मस्जिद कही जाती है, जिसको वक्फ़ ये दावा करता है कि कई सौ साल पुरानी ये मस्जिद है। और 123 प्रॉपर्टी का इशू भी जाहिर सी बात है कि दशकों पुराना है और LNDO के साथ साथ DDA भी लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जब से हाईकोर्ट का आदेश आया है तब से अलग अलग प्रॉपर्टी का सर्वे कर रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि हाईकोर्ट का आदेश तो आया है लेकिन वो आदेश सिर्फ ये है कि इन प्रॉपर्टी का सर्वे या कोई जो पैमाइश है वो की जा सकती है, लेकिन इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ना ही DDA और दूसरी एजेंसियों को ये अधिकार मिला है कि वो इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ करे। ये दिल्ली वक्फ बोर्ड का दावा है, लेकिन ये बात सही है कि जब से ये आदेश आया है कि सर्वे किया जाए, वक्फ बोर्ड और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उससे उनकी दिलों की जो धड़कनें हैं वो यकीनन बढ़ गई है कि दरअसल आगे होने वाला क्या है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से लगातार ये जो मामला है गरमाया हुआ है, इसमें चाहे मस्जिदें हो, 123 प्रॉपर्टी का जो इशू है या फिर मजार या दूसरी भी जगह ऐसी है जिस पर दिल्ली वक्फ बोर्ड ये दावा करता रहा है कि ये उसी की जमीन है और तमाम जो भी अधिकार है वो उसके पास है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हालात तब्दील हुए हैं और हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि सर्वे कीजिए इन तमाम जगहों का, उससे यकीनन अब जो चीजें हैं वो बदलती दिख रही है। आने वाले दिनों में किस तरह की चीजें रहती है और इन सर्वे के बाद आगे क्या कुछ होगा या फिर हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश है सर्वे करने का वो यहीं पर रुक जाएगा, ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल अलग अलग जो मसाजिद है या फिर मज़ारों की बात करते हैं, दूसरी जो प्रॉपर्टी है 123 के तहत जो आती है, उन तमाम जगहों पर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं और उसके बाद वहां पर सर्वे भी हुआ है। अब सवाल उठता है कि झगड़े की शुरुआत कहां से हुई। 5 मार्च 2014 को कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने अरबों की कीमत वाले विवादित 123 प्रॉपर्टीज को डी नोटिफाई करने का आदेश दे दिया, उसे वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया। एक दिन बाद यानी 6 मार्च 2014 को देश में आचार संहिता लागू कर दी गई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से इन मामलों को हाईकोर्ट में लड़ने वाले वकील शाहिद अली आरोप लगाते हैं कि 9 साल पहले कांग्रेस का फैसला चुनावी लाभ के लिए किया गया था। वो आगे कहते हैं कि ये मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति का एक पैंतरा था। वो आरोप लगाते हैं कि अब BJP भी चुनावों से चंद महीने पहले सर्वे करवा कर वही खेल खेल रही है। वैसे ही कांग्रेस ने उस वक्त इलेक्शन ईव पर, मैंने बताया ना आपको डेट भी बताई, देखिए मैंने 6 मार्च का नोटिफिकेशन है साहब और मेरे ख्याल अप्रैल में इलेक्शन थे, तो नोटिफिकेशन से पहले या नोटिफिकेशन के वक्त में वो नोटिफिकेशन लेके आए थे, ये इलेक्शन का नोटिफिकेशन था। तो कांग्रेस ने इस काम को करना नहीं था, एक इलेक्शन का प्रोपेगेंडा उन्होंने बनाना था। कांग्रेस ने दरअसल किया क्या, कांग्रेस ने किया ये है कि उसने शो तो ये किया कि साहब मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ वो किया कि उनको दलितों से निचले स्तर पर ले गए। मनमोहन सरकार के फैसले से पहले यानी 5 मार्च 2014 से पहले भी इन 123 प्रॉपर्टीज का झगड़ा अदालत की चौखट तक पहुंचा था। सबसे पहले बरनी आयोग बना जिसके अध्यक्ष थे सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी। बरनी IAS अधिकारी थे जो बाद में कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे। उन्होंने इन जमीनों को वक्फ बोर्ड को देने की सिफारिश की। विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध किया। लड़ाई दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंची। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि सभी 123 प्रॉपर्टीज का मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास है। कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार किसी को चाहे वो दिल्ली वक्फ बोर्ड ही क्यों ना हो, उसे लीज डीड न दे। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि जिसके पास इन जमीनों का कब्जा है वो बरकरार रहेगा। 2014 में जब कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को दे दिया तो इस फैसले के खिलाफ BHP फिर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। 2014 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और दिल्ली की गद्दी पर मोदी बैठे। उनकी सरकार ने फरवरी 2015 में मनमोहन सरकार के फैसले की जांच का आदेश दिया। 2016 में जांच शुरू हुई। G.R. आर्यन की अगुवाई में एक सदस्य आयोग बना। आयोग को 6 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन बाद में आयोग का टाइम 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। 2017 में G.R. आर्यन आयोग ने सिफारिश की कि 123 विवादित संपत्तियों पर फैसला दिल्ली वक्फ बोर्ड ले, लेकिन विवाद नहीं सुलझा। 2018 में 2 सदस्यीय आयोग बना, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 2 सदस्यीय कमेटी को मानने से इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे वकील शाहिद अली सवाल उठाते हैं।
कि कोर्ट के आदेश पर बनी कमेटी को वक्फ बोर्ड कैसे मानने से इनकार कर सकता है। वो ये भी कहते हैं कि सर्वे से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, सर्वे तो इन जमीनों की सुरक्षा और बेहतर इस्तेमाल के लिए है। तो टू मेंबर कमेटी जब बनाई गई, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने टू मेंबर कमेटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड का स्टैंड, हालांकि यहाँ पर उनके जो वकीलों ने उनको समझाया, वो ये मानता हूँ गलत तरीके से समझा दिया गया है, क्योंकि जब एक ऑर्डर हो चुका है तो उसको मानना है। वन मेंबर कमेटी के लिए आप जिद नहीं कर सकते। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में खैर रिट डाली, दिल्ली हाईकोर्ट में वो लड़े इस चीज के लिए कि वन मेंबर कमेटी की सिफारिशों को माना जाए या वन मेंबर कमेटी की रिपोर्ट को आप पब्लिश कर दें। वन मेंबर कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करने दिया गया। जब टू मेंबर कमेटी ने वक्फ बोर्ड को नोटिस किया तो वक्फ बोर्ड ने वहां पर अपनी बात जाके नहीं रखी, उस पर टू मेंबर कमेटी ने यह आदेश कर दिया कि साहब ये दिल्ली वक्फ बोर्ड का, हम इसमें जो भी कुछ हक था, जो भी स्टेक था, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड को हम इससे एब्जॉर्ब कर देते हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड को इससे मुक्ति दे देते हैं। किसी से मुक्ति दे देते हैं कि उसका जो स्टेक था, स्टेक किस बात का था कि वक्फ प्रॉपर्टियां हैं। अब बताइए टू मेंबर कमेटी या भारत की सरकार कैसे एब्जॉर्ब कर लेगी वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है, लेकिन ये प्रॉपर्टियां हैं, ये प्रॉपर्टियां तमाम मुसलमानों की प्रॉपर्टियां हैं। सर्वे से मुराद सिर्फ ये है कि ये प्रॉपर्टियां कितनी बड़ी हैं, इन प्रॉपर्टियों का फिजिकल पोजीशन किसके पास है, क्या वक्फ बोर्ड के पास है या नहीं, अगर है तो कितनी प्रॉपर्टियों में, कितने एरिया में वो लोग कब्जे में है। तो इसमें जो आज एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि साहब चूंकि सर्वे हो रहा है तो ये प्रॉपर्टियां गवर्नमेंट के पास चली गई या गवर्नमेंट ने छीन ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान इसे चुनावी हथकंडा बता रहे हैं। विवाद चला आ रहा है बहुत पहले से 123 प्रॉपर्टी का, लेकिन शुरू से ही एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हमारा है और कोर्ट ने माना भी और हमें वो दिया भी बाकायदा ऑर्डर के अंदर कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड का है और उन्हीं का रहेगा, तो ऐसे कैसे कोई ले सकता है। और सर्वे हो रहा है, सर्वे बिल्कुल, सर्वे की रिपोर्ट जो भी होगी हाईकोर्ट में जाएगी, हमें उसका जवाब दाखिल करना है। वो ये देखना चाह रहे हैं कि इन प्रॉपर्टी की मौजूदा हालत क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। तो मैक्सिमम जो है वो मस्जिदें हैं, मज़ार हैं, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, आज भी हैं वो, और उससे कोई ऐसी बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाला नहीं है उन सर्वे से। ये सिर्फ भोकाल बनाने के लिए ये भोकाल बना रहे हैं, कुछ नहीं है। इनका जो मकसद था वो कहीं ना कहीं फौत हो गया जब हाईकोर्ट ने इसमें ऑर्डर किया और हाईकोर्ट में चीज़ें फैसले आए हैं, तो उसके बाद इनका जो मकसद था कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन करने का, वो कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। तो अब ये सब उसी को दोबारा से, क्योंकि मेरा 26 तारीख को कार्यकाल पूरा हो गया तो अब फिर आनी शुरू हो गई हैं सब चीज़ें। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नवंबर की तारीख है, नवंबर में जो भी होगा अभी चलेगा, क्योंकि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हमारा है, तो मस्जिद को तो ये बदल नहीं सकते, कब्रिस्तान की हालत को तो ये बदल नहीं सकते, तो कोई भी नहीं बदल सकता, ये एक्ट से है ये सारी चीज़ें। तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा है और जो भी लोग होंगे अच्छे से इस केस को लड़ेंगे। लेकिन गजब तो ये है कि खुद दिल्ली के दरियागंज की जिस जमीन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का दफ्तर है वो भी विवादों में है। वो इन्हीं 123 प्रॉपर्टीज में शामिल है जिनका सर्वे केंद्र सरकार करा रही है। हम इस वक्त दिल्ली के दरियागंज में मौजूद हैं और मेरे पीछे दिल्ली वक्फ बोर्ड का ऑफिस है। यही वो ऑफिस है जो दावा करता है इन 123 प्रॉपर्टीज को लेकर। हालांकि इस वक्त की बात करते हैं तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में ना तो बोर्ड बचा है, क्योंकि जो भी बोर्ड का कार्यकाल था वो मुद्दत उसकी खत्म हो चुकी है। अमानतुल्ला खान यहाँ के चेयरमैन थे, इसलिए बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन है या जो सदस्य है वो इस सिलसिले में बात करने को तैयार नहीं। इसके अलावा जो अधिकारी है यहाँ पर, सेक्शन जो ऑफिसर थे, उनको भी सस्पेंड किया हुआ है, उनके खिलाफ जांच चल रही है। तो कोई भी ऐसा अधिकारी अंदर अब नजर नहीं आता। जो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।